बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बाबर जैन और आप देख रहे हैं बाइक रिपेयरिंग की यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मेरे पास ये गाड़ी है, 13 मॉडल सिटी 70 है और इसका करंट काफ़ी ज़्यादा कम है। जब भी इस गाड़ी को धोते हैं तो इसका करंट जो है ना वो कम आता है और गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट नहीं होती। अक्सर ये काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, जब भी गाड़ी आप धोएँ तो करंट जो है ना वो कम हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो वो मेन मसला क्या है, इस गाड़ी का करंट जो है वो नहीं आ रहा। और जो करंट अगर किसी गाड़ी का ना आए वो भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, हुंडा 154 लोकल गाड़ी हो या सिटी 70 गाड़ी। ये मेरे पास 13 मॉडल 70 मौजूद है। अभी इसका करंट जो है ना वो मैं प्लग से चेक करवाता हूँ, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, उसके बाद करंट आप चेक किस तरह कर सकते हैं गाड़ी का, अगर करंट ना आए तो आप कौन सी चीज़ जो है ना आप चेक करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरे पास 13 मॉडल सिटी 70 गाड़ी है। अभी इसका मैं करंट जो है ना प्लग वाली वायर से चेक करवाता हूँ और जो करंट कम है उसका मसला जो है ना वो भी मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। अभी मेरे पास ये गाड़ी मौजूद है, सीडी 70 13 मॉडल। अभी इसका करंट चेक करता हूँ मैं। अभी जो इसका करंट है ना वो नहीं आ रहा। ठीक है, ऊपर से जो चाबी स्विच है वो भी आना है। ये भाई मत कहें कि चाबी स्विच जो है ना वो ऑफ किया हुआ है, ये चाबी स्विच ऑन है और अभी इसका करंट है ना वो नहीं आ रहा। सबसे पहले इसके करंट के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसका टापा जो साइड वाला ना, ये टापा इसको खोलना है। अगर कोई बड़ा मसला ना हो आप लोगों ने सबसे पहले इस टापे को खोलना है और यहाँ पर ये ग्रिप लगी हुई है, इसकी मेन जो क्वाल की ग्रिप है ना वो यहाँ होती है और ये एक वायर जो है ना ये नज़र आ रही काली, जो काली वायर है इसको उतार के आप लोग, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी इसमें, आप लोग इसको उतार के और आप लोगों ने इसको स्पार्क करवाना है बॉडी के साथ। ठीक है, अभी इसको मैं बॉडी के साथ स्पार्क करवा के बताता हूँ इसका करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी हल्का हल्का सा स्पार्क देख सकते हैं आप कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको मैं लगा देता हूँ। अभी इसका सीडिया यूनिट चेक करते हैं इसका, यहाँ से करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। अभी इसकी जो सीट के नीचे सीडिया जो होता है ना वो इसके नीचे, लोकल गाड़ी का टापे में होता है और इसका जो है ना वो होता है सीट के नीचे। अभी सीट को मैंने कर दिया ओपन और इसका सीडिया लगा होता है यहाँ पर, ये है इसका सीडिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके बताता हूँ, सीडिया इसका ये है, ये इसका सीडिया ही है और इसको हमने चेक करना है अब, क्योंकि नीचे से करंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसका कोई मसला जो है ना वो नहीं है। अभी इसको टेप लगी हुई ऊपर और इसका सीडिया चेक कर लेते हैं। ये इसका सीडिया, इसके सीडिया चेंज करके एक दूसरे नंबर पर लगा हुआ है, लोकल सीडिया लगा हुआ है। ठीक है ना, लोकल सीडिया लगा हुआ है इसको, अच्छे वाला जो सीडिया है ना वो बताता उसकी पहचान क्या है, जेन्युइन सीडिया है। ये इसका लोकल सीडिया जो पहले लगा हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद ये है मेरे पास ओरिजिनल सीडी 70 का और हुंडा जो दोनों कंपनियों को लगता है ना वो लगता है ये वाला सीडिया है। ये ओरिजिनल होता है, मार्केट से अगर ये खरीदे आप तकरीबन 1200 रुपये का मिलेगा। अगर ये आप खरीदेंगे ये आपको 300 रुपये का मिलेगा, 250 या 300 रुपये का मिलेगा। तो ये जो सीडिया है ना ये ओरिजिनल होता है, इसका करंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। जब भी आप गाड़ी धोते हैं या बारिश में खड़ी करते हैं तो ये करंट जो है ना वो कम नहीं करता, ये करंट कम कर लेता है। जब भी इस ग्रिप में पानी जाए तो ये जो है ना ये कम नहीं करता करंट। अब इसका करंट जो है ना चेक करते हैं नीचे से, इसका करंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना तेज़ करंट जो है ना इसका आ रहा है। अभी चाबी किधर लगा लेता हूँ मैं, अभी जो इसका करंट है वो चेक करते हैं। अभी करंट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अभी इस वायर को मैं थोड़ा सा और दूर करता हूँ, ये तकरीबन एक इंच से जो है करंट है ना वो इसको प्लग को दे रहा है, एक इंच से, जो कि काफ़ी तगड़ा करंट है, काफ़ी ज़्यादा जो करंट है ना वो मिल रहा है प्लग को। और गाड़ी जो है ना मिसिंग भी नहीं करती, जितनी मर्जी आप गाड़ी धो लें इस सीडीआई से जो है ना आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी गाड़ी को स्टार्ट करते समय। और दूसरे नंबर पर एक जो मेन कॉयल होती है वो इसकी टंकी के नीचे है, ये प्लग वाली जो कॉयल होते हैं ये वाली, अक्सर बाज़ात ये भी ख़राब हो जाती है। खैर, तो इसका सीडीआई ख़राब था वो मैंने चेंज कर लिया है। बाज़ात ये जो कॉयल होती है ना ये भी ख़राब होती है, जिसकी वजह से करंट कम होता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है ना, तो यही थी छोटी सी वीडियो आप भाइयों के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोग भाई परेशान होते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बता।
आइएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, बाबर को बाइक के साथ, अल्लाह हाफिज़।